खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। और सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची। मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद मामले को लेकर पारा बढ़ा हुआ है। और आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का, जो इस वक्त राजीव चौक पर मौजूद हैं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर एम्स के डॉक्टर मानव श्रृंखला बना रहे हैं इस पूरे बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले के विरोध को देखते हुए। एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो मानव श्रृंखला बना रहे हैं। अमरेंद्र, अभी किस तरह की स्थिति है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर? क्या डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन और उनकी मानव श्रृंखला शुरू हो चुकी है? जी पराक्रम, जिस तरह से बताऊं, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हत्या और रेप के मामले में पूरे देश में डॉक्टरों का गुस्सा अपने चरम पर है और लगातार उनका प्रोटेस्ट जारी है। लगातार 5 दिन हो गया, छठवां दिन है उनका प्रोटेस्ट जारी है। एक दिन के संपूर्ण बंद के बाद डॉक्टर अपना लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आज डॉक्टरों की एक मानव श्रृंखला का ऐलान एम्स ने किया था। एम्स के जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये कहा कि लेडी हार्डिंग होते हुए जो डॉक्टर हैं सारे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर जुटेंगे और मानव श्रृंखला करके वो न सिर्फ इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराएंगे बल्कि जनता के सामने जब वो उपस्थित होंगे तो जनता को भी इस मामले से जोड़ने का वो एक प्रयास करेंगे। तो एक बड़ी मानव श्रृंखला यहां पर है और चूंकि वो सभी पूरे दिल्ली से डॉक्टर यहां पर एकजुट हो रहे हैं तो इन्होंने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के इनर सर्किल का गेट नंबर 1 चुना। और मैं आपको पराक्रम बता दूं कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है उसमें आपने देखा होगा इनर सर्किल में काफी सारे प्ले होते हैं, कई लोग नाटक करते हैं, कई लोग अलग अलग चीजें के इवेंट करते हैं तो लोगों का एक ध्यान लोगों के उसके ऊपर जाता है। तो डॉक्टरों का ये संदेश देने का प्रयास है कि हम अपना विरोध तो दर्ज करा रहे हैं लेकिन डॉक्टर जो नारे लगा रहे थे कि जनता क्यों नहीं जागी है, वो भी तो भारत की बेटी है, तो जनता को एक जगाने और जनता से इस विरोध में समर्थन मांगने के लिए एक आह्वान माना जा सकता है इस तरह से डॉक्टरों का जो ये मानव श्रृंखला है। और एक बड़ी संख्या में अभी पराक्रम आ रहे हैं और मैं आपको दिखा दूं, कुछ तस्वीरें इस वक्त की मैं दिखा देता हूं। देखिए ये आरडीए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उस खड़े हुए हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसके विरोध में। और देखिए सारे लोग इस समय जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं एक लंबी श्रृंखला में इकट्ठे हो रहे हैं और जैसे जैसे यहां पर डॉक्टर आते जाएंगे ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो आप देखिए उनके हाथ में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैंग द रेपिस्ट, ये बाकायदा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात को आगे लेकर जाना चाहते हैं कि जो भी इस मामले में दोषी हो उनको सजा मिले और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सरकार से भी अपनी मांग रख रहे हैं। इनके कई मांग जैसा कि हम लोगों ने लगातार बता रहे हैं दूरदर्शन समाचार पर कि इनकी क्या मांग है और लगभग वही एक मांगों को लेके कि पहले जो है इस मामले में जस्टिस मिले, न्याय मिले और उसके बाद इनको जो है आगे प्रोटेस्ट करें। और मैं देखिए ये राजीव चौक मेट्रो का वो इलाका है, मैं लंबा मेरे कैमरामैन अजीत मूव कर रहे हैं, ये राजीव चौक मेट्रो का इनर सर्किल है और देखिए जनता की भीड़ जुटनी स्टार्ट हो गई है और राइट में जब देखेंगे तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है जहां से डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं और जो आम जनता है, मैं आपको ये बता दूं जो आम जनता है वो इकट्ठी हो रही है बल्कि यहां पर बड़ी संख्या में फोर्स भी हो रही है। देखिए अभी कुछ लोग नए जुड़े, कुछ नए डॉक्टर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, देखिए इन्होंने अपना पोस्टर बैनर ले लिया, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। और तो इस तरह से अलग अलग कॉलेजेस, मतलब एम्स ने आह्वान किया लेकिन जो 7 मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में उनका जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का जो पैनल है, जो उनकी नेतृत्व में जो पूरा पैनल है वो इकट्ठा हो रहा और धीरे धीरे इनको बताया गया था कि एक एक पैनल शांति के साथ आए और सिर्फ उनको यहां पर अपना विरोध दर्ज कराना है, किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन उस तरह से नहीं करना क्योंकि इनका कहना है कि हमारी आवाज में जनता की आवाज शामिल होनी चाहिए। तो जनता को अपना मैसेज देने के लिए लगातार ये लोग जुट रहे हैं और कहा जाए तो ये जनता को एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं।
कि किस तरह से जो लगातार इस मामले में जस्टिस हो रही है और इनजस्टिस की बात जो कर रहे हैं और जो जो इनका स्टैंड है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे रखेंगे, सबसे पहले इस मामले में जस्टिस उन्हें दिया जाए और जो न्याय है न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाए और इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जनता भी उनके साथ जुड़े। पराक्रम अमरिंद, देखिए इस मामले में डॉक्टर्स की जो बड़ी मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसको लेकर के अब स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार ने भी कहा है कि इसको लेकर के कमेटी बनाई जाएगी, बहुत बड़ा संदेश इसके ज़रिए, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोलकाता ही नहीं, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में हो रहा है। ऐसे में क्या समझा जाए कि जो डॉक्टर्स की मांग है वो सरकार कहीं ना कहीं मांगेगी, मानेगी, पूरा करेगी उनको, समझा जाए इससे? बिल्कुल समझा जाए, क्योंकि पराक्रम देखिए जिस दिन से डॉक्टर ने स्ट्राइक इस मामले में की है पूरी तरह से संवेदना सरकार की है और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार डॉक्टरों के जो पैनल्स हैं, जो आरडीएज हैं उनके साथ है, इसके अलावा वो जो आईएमए हैं और जो फोडा के अलावा जो और एजेंसीज हैं जुड़ी हुई उनके लगातार संपर्क में है। और आपको अगर याद होगा कि कल ही डॉक्टरों को संबोधित करते हुए एक बड़ा निर्देश जारी हुआ है जिसमें बाकायदा जो इनकी मेन मांग थी जिसमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की इन्होंने बात रखी थी कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, तो उसमें भी सरकार ने कहा है कि ठीक है हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे, उसमें भी कमेटी बनाएंगे, 3 महीने कमेटी उसमें जांच करेगी, विभिन्न पहलुओं में जांच करेगी और इनके एजेंसीज के लोग उसमें शामिल होंगे, यानी कि डॉक्टर कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे, क्या दिक्कतें रहेंगी वो जनता के बीच में जाएंगे, उसके बाद जो पार्लियामेंट का सेशन आएगा शीतकालीन सत्र वहां बात करेंगे। इसके अलावा जो और मुद्दे थे आपको मैं बता दूं, पहले दिन से स्वास्थ्य मंत्रालय का बहुत अगर प्रशंसनीय कदम माने तो डॉक्टरों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन है। अगर कल जिस दिन पहला बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था उस दिन भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनके साथ मीटिंग की और दोपहर में ही उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में कोई घटना होती है तो उस मामले में उसके प्रमुख को 6 घंटे में FIR दर्ज करानी होगी। तो कहीं ना कहीं मंत्रालय बहुत पॉजिटिव तरीके से बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ेंगे आगे, कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी के इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन भारत सहित हर जगह लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके साथ ही जो कोशिशें हैं वो कोशिशें ये हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और